अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलीनास कुकिंग यूट्यूब चैनल और आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का प्लेटर, यानी तीनों तरह के हम चिकन के टिक्के बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है। इस तरह से इसको हमने मीडियम साइज़ क्यूब्स में कट कर लिया है। इस तरह से हमने ले लेना है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, तो हम लगाएंगे इस पर नमक, लेमन जूस लगाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम काली मिरी पाउडर, तीनों में हमने हाफ टी स्पून डाला है, ईच बाउल में हमने हाफ टी स्पून डाला है, गरम मसाला पाउडर, टिक्का मसाला हम ग्रीन वाले टिक्का और रेड वाले टिक्का में डालेंगे, वाइट वाले टिक्का में नहीं डालेंगे क्योंकि उसका कलर हमने वाइट रखना है, इसलिए दोनों में हमने टिक्का मसाला डालना। फ्रेश क्रीम डालेंगे, दही डालेंगे, अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जो रेड टिक्का बनाने वाले हैं उसके अंदर हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। आप रेड फूड कलर भी डाल सकते हो, लेकिन रेड चिल्ली चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये रेड टिक्का कलर का मैरिनेशन हो गया है। देखिए, तीनों टिक्का को हमने चिकन के मैरिनेट कर लिया। अब इसको हम एक घंटे के लिए फ्रिज में चलिए अभी हमें इसको शैलो फ्राई करना है। तीनों चिकन टिक्का को हम अलग अलग शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम रेड चिकन टिक्का को फ्राई कर लेंगे। जूसी और टेंडर रखना है हमने, से ज़्यादा देर तक नहीं कुक करना है। चिकन को आप जितना ज़्यादा कुक करते हो ना, उतना वो रबर जैसी हो जाती है, इसलिए जितना हो सके उसको टेंडर रखना चाहिए। तो उसे हमने ज़्यादा कुक ओवर कुक नहीं करना है। अब रेड चिकन टिक्का कुक हो चुका है। अब इसके अंदर हम वाइट चिकन टिक्का को शैलो फ्राई कर लेंगे। वाइट शैलो फ्राई हो चुका है चिकन टिक्का, ग्रीन वाला शैलो फ्राई कर लेंगे।
इसको भी अच्छी तरह से हमने शैलो फ्राई कर लेना है।